प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। सच्चे लोगों पर कृपा बरसाते हैं शनि। अच्छे कर्म करने पर धन वर्षा करते हैं शनि। आपको मालामाल बना सकते हैं शनि। आपकी संपत्ति बढ़ा सकते हैं शनि। कहते हैं शनिदेव जीवन में हर तरह के शुभ अशुभ कर्मों का हिसाब रखते हैं और उसी के मुताबिक फल देते हैं। अगर हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बात करें तो शनि ग्रह एक सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह है, जहां पर हर एक ग्रह जो है 45 दिन में, डेढ़ महीने में, 25 दिन में, या फिर हम यूं कह लें कि 18 महीने में मैक्सिमम जो है अपनी चाल बदल देता है, वहीं पर शनि देव जो है वो अपनी ढाई वर्ष में चाल बदलते हैं। यानी एक राशि से दूसरी राशि तक पहुंचने के लिए ये ढाई वर्षों का समय ले लेते हैं और एक राशि में दोबारा वापस आने के लिए इनको समय लगता है 30 वर्ष का। तो सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह माने जाते हैं। जैसे ये धीमे धीमे चलते हैं यानी शनि शनि चलते हैं, वैसे ही हर एक व्यक्ति को शनि शनि प्रभाव भी। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इंसान को दरिद्र या धनवान बनाना शनिदेव के ही हाथ में है, क्योंकि इंसान के कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं शनिदेव। अगर आप कुछ विशेष कर्मों पर ध्यान दें तो शनि स्वयं बनाएंगे आपको धनवान। शनि देव जो है क्रूर ग्रह जरूर है, मगर न्यायाधीश देवता भी है। यानी ये हर एक व्यक्ति से न्याय जरूर करते हैं। यानी अगर आप कर्म अच्छे करेंगे तो डेफिनेटली ये आपके कर्मों का फल अच्छा ही देंगे, और अगर आप कर्म बुरे करेंगे तो आपको उसका प्रभाव जो है बुरा ही मिलेगा। तो शनि देव से घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप लोगों को जरूरत है कि आप लोग जो है अपने कर्म ठीक करें। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। अगर आप शुभ कार्य करते हैं, न्यायप्रिय हैं, सच्चे हैं, तो कुंडली के बुरे योग भी आपका बाल बांका नहीं कर सकते। कुंडली में शनि की स्थिति से ही धन की स्थिति तय की जाती है। कभी शनि विशेष धन लाभ करवाते हैं तो कभी वही बेवजह पैसों का नुकसान भी करवाते हैं। इसलिए आर्थिक मजबूती के लिए कर्मों के साथ साथ कुंडली में भी शनि की स्थिति पर ध्यान देना जरूरी है। शनि के प्रभाव से व्यक्ति रंक से राजा हो जाता है और राजा से रंक हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में भी वर्णित है। शनि न्यायकारक ग्रह माने जाते हैं। वैसे तो सभी ग्रह न्यायकारक हैं, लेकिन शनि को न्याय क्षेत्र का अधिपति माना गया है। क्यों? क्योंकि नैसर्गिक कुंडली में अगर हम देखते हैं तो दशम भाव के कारक होते हैं। दशम कर्म का भाव होता है और एकादश लाभ का कारक होता है, फल का कारक होता है। तो इसी कारण से इन्हें कर्म और फल दोनों का कारक माना जाता है। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि शनिदेव का क्या है आर्थिक समृद्धि से नाता। शनि जीवन में हर प्रकार के शुभ अशुभ कर्मों का कारक और फलदाता होता है। कर्मों के अनुसार आप धनवान होंगे या दरिद्र, ये निर्धारण करते हैं शनिदेव। शनि की विशेष स्थितियों में धन की प्राप्ति सरल हो सकती है और कठिन भी। शनि की महादशा 19 वर्ष तक चलती है। नकारात्मक प्रभाव होने से शनि लंबे समय तक धन के लिए कष्ट देने लगते हैं। शनि नकारात्मक हो तो 7.5 या 2.5 में घोर दरिद्रता देता है।
कुंडली में बेहतर योग होने के बावजूद अगर आप कर्म शुभ न हो तो शनि धन की खूब हानि करवाता है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।